भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी का आमंत्रण दिया। भारत ने इस मैच में युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उमरान मलिक को उनके जगह पर मौका दिया। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पृथ्वी शॉ को टीम में मौका मिल सकता है, लेकिन भारत ने अपने ओपनर पे भरोसा बरकरार रखा और ओपनिंग का जिम्मा पुनः शुभमन गिल और ईशान किशन के कंधों पर डाल दिया। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सर्वाधिक 63 बॉल्स पे कुल 126 रन बनाए। इस दौरान इनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के आए। ये भारत का किसी भी सिंगल खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने हाल ही में हुए एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेली थी। भारत की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने 22 बॉल पे ताबड़तोड़ 44 रनों की पारी खेली। हालांकि ईशान किशन इस मैच में कुछ कर नहीं पाए और एक रन बना के चलते बने। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी नीचे आकर अच्छी पारियां खेली, जिसके बदौलत भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवर के अंत तक कुल 234 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेसवेल, टिकनर, ईस सोडी और डैरिल मिचेल को क्रमशः एक एक विकेट मिला। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने इस बड़े रन चेस में पारी ढैसी गई और पूरी टीम 66 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से डैरिल मिचेल ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट लिए और अर्शदीप, उमरान और मावी को क्रमशः 2-2 विकेट मिले। भारत ने यह मुकाबला कुल 168 रनों के बड़े अंतर से जीता। यह भारत की रन के अंतर से टी20 क्रिकेट में इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। शुभमन गिल को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया और हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज की अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।